दोस्तों सारांश में एक बात याद कर लीजिए, ईश्वर भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है इंसान की जिंदगी जीने का। ईश्वर में विश्वास कीजिए, आस्था कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और जब आप सब ये बात जानते हैं तो विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास जानिए, वो आपको गिरने नहीं देगा, उसमें अटूट विश्वास तो रखिए। देखिए जीवन ना बदल जाए तब कहना। इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक पुरानी कथा है, उसमें दो उल्लू एक ही डाल पर आकर बैठते हैं। एक उल्लू के मुंह में सांप और दूसरे के मुंह में चूहा होता है। दोनों ने अपने भोजन की पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही सांप चूहे को देखता है और चूहा सांप को देखता है, तो सांप की लार लटकने लगती है चूहे को निगलने के लिए। इतना बढ़िया भोजन सामने है, हालांकि वो खुद उल्लू के पंजों में फंसा होता है, उसकी मौत निकट होती है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। उधर चूहा सांप की ये ऐसी हरकत देखकर डर जाता है, जबकि वो भी मौत के मुंह में है, वो भी वहां से निकल नहीं सकता, लेकिन मौत की चिंता किए बिना घबराने लगता है। कुछ समझ में आया? दोस्तों जीभ की रस का स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो कुछ दिखाई नहीं देता। और ये भी समझ लो कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, लेकिन चूहा सांप को देखकर भयभीत हो गया कि कहीं सांप हमला न कर दे, कहीं सांप उसको निवाला न बना दे, कहीं सांप उसको मार न डाले। है ना, मौत का भय नहीं है, ऐसा ही यह संसार है। मौत से हम भयभीत नहीं है, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशा का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे सामने खड़ी है पर हमें दिखाई नहीं देती। हम अंधे बने हुए हैं, पूरी जिंदगी की सच्चाई यही है। हम काल के मुख में फंसे हुए हैं, परंतु अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभ रस की स्वाद की इच्छा तृष्णा वासना इतनी प्रबल हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि मौत सामने खड़ी है। हम किसी भी क्षण उसका निवाला बन सकते हैं। इसीलिए मैंने कहानी के स्टार्टिंग में कहा कि ईश्वर भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इन सांसारिक बातों को छोड़ दीजिए, ईश्वर में विश्वास कीजिए, आस्था कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और जब आप सब ये बात जानते हैं तो विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास जानिए, वो आपको गिरने नहीं देगा, उसमें अटूट विश्वास तो रखिए। देखिए जीवन ना बदल जाए तब कहना। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।